एक तरफ जहां पूरा भारत ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है, वहीं अंबाला में एक व्यक्ति ने अपने घर पर ही ऑक्सीजन प्लांट लगाया हुआ है। जी हां, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी ही तस्वीरें अंबाला के मनाली हाउस में रहने वाले 78 वर्षीय प्रोफेसर वेद प्रकाश विज के घर पर देखने को मिल रही हैं, जहां पर उन्होंने पूरा घर पेड़ पौधों से भरा हुआ है। प्रोफेसर वेद प्रकाश ने अपने घर पर 1000 से ऊपर गमलों में सैकड़ों अलग अलग किस्मों के प्लांट्स लगाए हुए हैं, जिससे उनका 3 मंजिला घर पूरा हरियाली से भरा पड़ा है। जिस पर प्रोफेसर वेद प्रकाश बताते हैं कि उनके गुरु ने 1982 में उन्हें एक फूल का पौधा दिया था, तभी से उनको पेड़ पौधे उगाने का शौक पैदा हो गया था। वह 40 साल एक शिक्षक के तौर पर नौकरी करने के बाद 2004 में रिटायर हुए थे, जिसके बाद से वह सिर्फ घर पर रहकर पौधों की देखभाल कर रहे हैं और नए नए पौधे लगाकर अपने घर पर गमलों में लगाते हैं। मौजूदा समय में उनके पास 80 किस्म के प्लांट परमानेंट हैं, जिनमें हर सीजन फूल उगते हैं। उन्होंने इंग्लैंड की निफ्टन नर्सरी से फ्रीजिया नस्ल का पौधा लेकर अपने घर पर गमले में लगाया है, जो यहाँ भी कामयाब हो गया। वैसे प्रोफेसर वेद प्रकाश को भारतीय किस्मों के फूल ज्यादा पसंद है। जैसे मैं पढ़ाया करता था, तब भी मुझे यूँ लगता था कि आप अगर प्रकृति की गोद में रहते हैं, प्रकृति के आसपास रहते हैं, तो प्रकृति आपको वो कुछ देगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और मुझे जीवन में बहुत कुछ मिला है, बहुत समृद्धि मिली है, वो सब समृद्धि कारण उसका है मेरे पेड़ पौधे। और सन 82 से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। मुझे प्रेरणा मिली अपने मेंटर, अपने गुरु प्रोफेसर वीएस कुमार थे, उनसे मुझे ये प्रेरणा मिली। जैसे जैसे समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए और साथ में मेरी उम्र भी बढ़ती गई, तो अपने घर को और सुंदर से सुंदर बनाने के लिए मैंने ये काम शुरू किया। तो मैंने अपनी पत्नी से ये कहा कि यू आर फॉर इनसाइड, आई एम फॉर आउटसाइड। तो हम दोनों ने मिलकर अपने घर को सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश की है। ये हमारा एक यूँ कह लीजिए एक इट्स वेरी हम्बल एफर्ट। ये बड़ा एक छोटा सा प्रयास है हम करते हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम अपने सभी लोग अपने घरों को सुंदर बनाएं और घरों में इस तरह से हरियाली पैदा करें, तो जो वातावरण भी शुद्ध रहेगा और हमें ऑक्सीजन मिलेगी, जिसकी अभी बहुत कमी लोगों को लग रही है। प्रोफेसर वेद प्रकाश की पत्नी सुरेंद्र विज डबल ग्रेजुएट है और वह एक हाउसवाइफ है। उनकी दोनों बेटियां शादी के बाद बॉम्बे और नोएडा में सेट हैं। सुरेंद्र विज बताती हैं कि जब शुरू में उनके पति ने घर पर पेड़ पौधे लगाने शुरू किए, तो कुछ लोगों ने इसे पागलपन भी बताया, लेकिन आज हम अपने हरे भरे घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। दूर दूर से लोग हमारे घर की हरियाली को देखने आते हैं। गर्मियों में हमारे घर का तापमान बाकी जगह से 4-5 डिग्री कम और ठंडा रहता है। मेरे पति को पहले तो शौक था, अब ये जुनून में बदल गया। तो जब हमारी शादी हुई, उसके बाद हमने मिलके इस टेस को छोटे से डेवलप किया, थोड़े से गमलों से किया। फिर जैसे जैसे ईश्वर की कृपा हुई, हमारा घर बड़ा होता गया और हमारे घर में ग्रीनरी बढ़ती गई। मुझे लगता है थकावट उतरती है। जब मैं अंदर से किचन का काम करके बाहर आती हूँ, तो मुझे लगता है मेरी थकावट उतर गई। सुबह उठते हैं, कोई नया फूल खिलता है, तो हम एक दूसरे को आवाज़ें लगाते हैं, अरे देखो देखो ये फूल खिल गया, आज ये पहला फूल खिला है। अम्बाला से ईटीवी भारत के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट।